खबर देवरिया जिले से है, जहां कक्षा 11 के छात्र की उसके दोस्तों ने चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि भलुवानी थाना क्षेत्र के पडरी गांव का रहने वाला मृतक छात्र आदर्श गुप्ता को उसके मित्र महेश यादव सुबह करीब 10 बजे घर से बुलाकर बरहज थाना क्षेत्र के करौंदी के पास ले गए और चाकू से हत्या कर दी। आनन फानन में घायल छात्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि घर वालों ने इस मामले में मृतक के 3 दोस्त महेश, उमंग और प्रभात पर आरोप लगाए हैं। परिजनों को जब छात्र की हत्या की सूचना मिली तो परिजनों ने इमरजेंसी पर शव रख कर हंगामा काटा। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह समझा कर शव को मोर्चरी के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि छात्र की हत्या हुई है, अभियुक्तों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। देवरिया से रमन तिवारी की रिपोर्ट। सूचना यही मिली है कि सुबह ये जमुना मठ प्रतिदिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज जमुना मठ पत्ती में पढ़ता है, सुबह एक करौती का लड़का आया और बैठा के इसको लेके गया, और उसके बाद से सूचना मिली कि मतलब इसको चाकू को मार दिया गया है। अभी क्या हुआ है? अभी तो हम लोग प्रशासन से कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि प्रशासन से जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और कार्रवाई करे। क्या कौन लड़का ले गया? एक महेश यादव नाम का करौंदी का रहने वाला लड़का है, वही लेकर गया। क्या लगता है कि आपको लगता है? अभी पता नहीं है, वो गिरफ्तारी होगी उसके बाद से ही पता चलेगा कि किस बात के लिए इन लोगों का लफड़ा हुआ। क्या नाम है आपका? राम कुमार गुप्ता, हम उसके चाचा हैं। ये जनपद देवरिया में भलूनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पडरी ग्राम की घटना है, जहां एक युवक जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, उसे उसी के साथ पढ़ने वाले कुछ सहपाठियों द्वारा चाकू मारकर घायल किए जाने का मामला सामने आया। युवक को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों से बात की जा रही है और जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, और जो अपराधी हैं, जो अक्यूज्ड हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीम बनाई गई है। जल्दी ही अक्यूज्ड की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।